कि आज का जो दिन था वो शायद चुना हुआ था पहले से, क्योंकि एक वक्त था कि काफी देर से यहाँ पब्लिक मीटिंग नहीं हुई और ये लॉन्ग पेंडिंग थी, लॉन्ग अवेटेड थी और ये इम्पोर्टेंटली रिक्वायर्ड थी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस सोशल एक्टिविज्म में सिविल सोसाइटी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया और यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आए, क्योंकि जब हम सब एक जगह जमा होते हैं तो हमारे सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारे दिमाग, हमारी सोच, हमारी काबिलियत, वो सारी जमा होती है एक जगह। और जहाँ पे कहते दो दिमाग, कम से कम अगर दो दिमाग की बात करूँ, जहाँ दो दिमाग जुड़ते हैं वहाँ और एक नई सोच को उत्पन्न करते हैं। यहाँ तो इतने सारे दिमाग थे और सबने, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप जितने लोग जो भी कहना चाहें, अपने मन में जो बात है, जो भी आपकी परेशानी है, आपको लगता है कि ये पुलिस तक पहुंचानी चाहिए, वो आप कहिए। तो आपने बढ़ चढ़ के योगदान दिया, हिस्सा लिया इसमें, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और बड़ी बात मुझे ये लगी यहाँ आके कि आपके पास वाकई में पॉइंट्स थे और वैलिड पॉइंट थे, क्योंकि जब हमें कुछ यहाँ से मिलेगा आपसे तो हम उस पर काम करना शुरू करेंगे, हमें लगेगा हमने यहाँ पे जो 1.5 घंटा इन्वेस्ट किया वो बढ़िया तरीके से किया और फ़ायदा हुआ कुछ। तो आपने जो प्रॉब्लम्स हम तक लाई, कुछ पता थी कुछ नहीं थी, उस पर काम करने की ज़रूरत है। कितना उस पर हुआ इंटरनली हम जानते हैं, कितना उस पर करने की ज़रूरत है वो हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, किस तरीके से करना है, अगर मेथड्स में कोई चेंज लानी है तो वो हम देखेंगे। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 3 या 4 ही परेशानियां हैं जो आपको ज़्यादा दिक्कत में डाल रही हैं। और मैं मानता हूं कि किसी भी सिविलियन का ये हक बनता है कि वो एक क्राइम फ्री सोसाइटी में रहे, क्योंकि गवर्नमेंट का भी यही मुद्दा है कि हर एक सिविलियन को, हर एक सिटीज़न को क्राइम फ्री सोसाइटी प्रोवाइड की जाए। शायद उसी के लिए हमारे अपॉइंटमेंट की जाती है, हमें नियुक्त किया जाता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं है। लेकिन वो काम करते समय कुछ मजबूरियां हमारी अपनी भी होती हैं, टाइम कॉन्स्टेंट आपके पास भी वही 24 घंटे, हमारे पास भी वही 24 घंटे। ऐसा नहीं है कि हम इस काम को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, पर ऐसा होता है कई बार कोई ऐसा काम होता है जिससे ज़्यादा ज़रूरी उस टाइम पे 3 से 5 के बीच में वो टाइम ज़्यादा ज़रूरी। मान लीजिए 4:30 के बाद 6 बजे तक हमने टाइम रखा यहाँ, तो ये हमने ज़्यादा ज़रूरी माना। हो सकता है आपके ही ज्यूरिडिक्शन में कोई और कई काम ऐसा हो रहा हो 4:30, 5 बजे, 5:30 बजे, लेकिन हमने इसको महत्व दिया, इम्पोर्टेंस दी। तो पहली बात है जो आपने कहा कि आपकी इस एरिया में ड्रग्स बहुत कमतर है, मिनिमम है, मिनिमल है, तो ये तो आपको मुबारक है। क्योंकि आज जहाँ भी हम जाते हैं, मैं सिर्फ जम्मू की बात ना करूँ, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात ही ना करूँ, मैं अगर पूरे हिंदुस्तान भर की बात करूँ, तो ये जो ड्रग एडिक्शन है ये इतनी फैल चुकी है कि इसके लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि यहाँ तो वो वाला मसला ही कोई नहीं है, तो ये तो आपको मुबारकबाद है। सर ऐसा है कि कंज्यूमर यहाँ नहीं है बट पैसेंजर सोर्सेज तो हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे लोग अगर इस बात में, यहाँ पे बच्चे, भाई बहन, छोटे अगर नहीं फंसे तो बड़ी बात है। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी यहाँ पे वो ड्रग्स ना फैले, ठीक है। दूसरी बड़ी बात आपने की चोरी की, वो चोरी की बात जो है वो आगे बढ़ भी गई, हमने बात की, डिटेल में डिस्कशन की। तो जब किसी की चोरी होती है तो दुख होता है, ये हमारे SHO साहब भी समझते हैं, हमारे चौकी साहब भी समझते हैं, और जितने मेरे वो पुलिस वाले जो हमारे साथ हर वक्त रात दिन, रात को 1:30 बजे, सुबह 5 बजे, दिन को 2 बजे दौड़ते हैं, वो भी समझते हैं कि चोरी जो है वो जब हो जाती है तो बहुत ही अजीब सा महसूस होता है पुलिस वाले को। आपकी बात नहीं करूंगा, जिसकी चोरी होती है वो तो दुख मनाता ही है, जिसके एरिया में चोरी होती है वो बड़ा मजबूर हो जाता है, कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों, और फिर वो निरंतर प्रयास करता है, काम में लग जाता है, जुट जाता है कि ये चोरी ना हो, ठीक है। बाकी साढ़े शहर के लोग पार्क च बैठे आवाज आनी चाहिए। SHO साहब ने तो SDPO साहब ने तुम्हें काफ़ी तफसील काफ़ी चीज़ें दसी होनी है ना, और मैं एक मौका मिले थोड़े कहने रूबरू होने का, मैं बड़ा अच्छा लगा जल्द SDPO साहब ने आखिया कि अच्छे एक पब्लिक मीटिंग रखी दी है,
सो मैं अच्छा लगा मैं नहीं मैं जरूर 10 मिनट आऊँगा टाइम साढ़े को घट है इसलिए लेकिन मैं जरूर अपने साथियों अपने लोगों के जरूर मिलना सर ऑफिस इन्ना ज़्यादा काम आता लेकिन फिर भी अस कोशिश करने के बाहर साड़ी टीम जी बाहर निकली हुई है लोगों के मिलते रहते हैं तो टॉपिक ने सनाया कि जो थेफ्ट केसिस ने चोरियां जीडिया साढ़े लोकैलिटी ज़्यादा बधी दी चोरी वाकई एक जी जिले चोरी होंगी ना मैं सच सुना क्योंकि मैं SHO भी रहा तो कुछ लोग जानते भी होने मैं DSP सिटी 3 साल रहा SHO उपराले कृपा करने मैं इतने SP भी लगा साल होना सा, पर चोरी की मैं थोड़ा सुना जो चोरी होंगी है सू लगा चोरी शायद असें आपे की थी मतलब जो लगे मतलब सना कुछ सीधी असली सना ही नहीं सकते मतलब मैं SHO दे रहा तो उपर तो सनाने जिले चोरी का कोई वारदात होती जल्द मैसेज आना मतलब एक ऐसी चोरी एक ऐसी चीज़ के बंदा आता यार SHO बस तो एक बड़ा एक एक बदा जहा होता कि यार दबा होता कि चोरी हुई इलाके ऐसा नहीं है कि चोरियां रिकवरी भी बड़ी होंगे होइया भी रिकवरी अगे भी होनी पर एक होर साड़ी 174 होती जिसे सस्पिशियस डेथ होंगी है मैं उन्हें इन्हें ही पता होना मैं इन्हें दोनों केसें ज़्यादा ध्यान दिना होना क्यों क्योंकि ये ब्लाइंड केस होंगे ने पता नहीं चलता ये सू मेहनत बड़ी करनी पड़ती है चोरी का मसला है कि जल्द एक चोरी रिकवर होने याद है चोरी मी लगता 10 कई बार 10 चिट्ठी चोरी रिकवर होती है जल्द नहीं रिकवर होने याद कई बार टाइम ही लगता क्योंकि यह है टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर है चोरी का जो सो मेरी थोड़े सारे अगर गुजारिश है कि अस सारा ही कम है क्योंकि साड़ी जगह अस ना कुछ लैन देंगे कि साड़ा सरकार ने सू इस जगह बिठाया इस कुर्सी बिठाया थोड़े लोगों की सेवा वास्तव अस बैठे थे जिन्ना सू टाइम मिलेगा इतने असें कोशिश करनी है कि नहीं द बेस्ट पुलिसिंग थोड़ा अस देंगे और जिसले भी साड़ी और भी जरूरी ये इसे जगह पर कदे भी साड़ी कोई जरूरत पवे इमीडिएटली सानू कॉल करो दिने राती दोपहरी शामी मैं भी अपना नंबर तुहानू दे देना और तुसें सानू जस्ट एक बार कॉल करी देओ क्योंकि कई बार अस अगर फोन नहीं चुके हमेशा रीकॉल मैं जरूर रीकॉल करगा कोई भी नंबर होएगा सो क्योंकि नंबर टेलीफोन नंबर यह सरकारी नंबर है साढ़े थोड़े लोगों वास्ते रखे देने से अपने जिसमें मर्जी सू पुछो और थोड़ा पूरा हक बनता सू पुछने पे दसो सा केस का क्यों होया क्यों नहीं होया तो तुम फोन करिए पुछी सकते हो दफ्तर आइए पुछी सकते हो सो मेरी थोड़े लोगों अगर इयो गुजारिश है कि अस पूरी कोशिश करके कि खासकर हर फ्रंट पर अस काम करके लेकिन चोरी के मसले से अस कोशिश करके इसी ज़्यादा ध्यान देंगे।